ये जो 28th क्वेश्चन है ये भी assertion reasoning का क्वेश्चन है। तो इसमें स्टेटमेंट वन में है कि इफ मॉडुलस ऑफ जेड इज लेस देन रूट टू माइनस वन देन मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस टू जेड साइन अल्फा इज लेस देन वन। एंड स्टेटमेंट टू है मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस जेड टू इज लेस देन मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस मॉडुलस ऑफ जेड टू एंड मॉडुलस ऑफ साइन अल्फा इज लेस देन इक्वल टू वन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्वांटिटी देखते हैं क्या होगा। मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस टू जेड साइन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉडुलस जेड साइन अल्फा। क्यों होता है, क्योंकि ये होता है एक्चुअली यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आना चाहिए, शायद इस बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो हम रीजन यही लिखेंगे कि सिंस मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस जेड टू इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस मॉडुलस ऑफ जेड टू। ठीक है, अब दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस इसके जगह हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ टू मॉडुलस ऑफ जेड मॉडुलस ऑफ साइन अल्फा। तो टू का जो मॉडुलस है वो टू ही होता है, तो इसको मॉडुलस नहीं डाल के डायरेक्टली टू लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या रीजन देंगे, क्योंकि मॉडुलस ऑफ जेड वन जेड टू होता है मॉडुलस ऑफ जेड वन इंटू मॉडुलस ऑफ जेड टू। ठीक है, तो इसीलिए दिस क्वांटिटी इज दिस थिंग। ठीक है, अब जो साइन अल्फा है मॉडुलस ऑफ साइन अल्फा, जो साइन का जो किसी भी साइन ऑफ एनी एंगल क्या होता है माइनस वन टू वन, सो मॉडुलस ऑफ साइन अल्फा इज का जो वैल्यू है वो जीरो से वन तक होगा, जीरो से वन तक होगा। तो ऐसे ही मॉडुलस साइन अल्फा लेस देन इक्वल टू वन तो होता ही है, तो यही कंडीशन है। तो इसको अगर हम उड़ाते हैं तो ये होगा लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉडुलस ऑफ जेड इंटू वन। ठीक है, ये मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर है, जो मॉडुलस ऑफ जेड है दैट इज लेस देन रूट टू माइनस वन, तो इसके जगह में अगर हम रूट टू माइनस वन लिखते हैं तो हम क्या करेंगे ना, ये लेस देन इक्वल टू कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन में। ठीक है, और ये क्वांटिटी किसके साथ इक्वल होता है, ये हो जाएगा रूट टू माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू रूट टू माइनस टू। रूट टू माइनस वन का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर मतलब टू प्लस बी स्क्वायर इज वन माइनस टू ए बी मीन्स टू रूट टू प्लस टू रूट टू माइनस टू। ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों भी कैंसिल हो गया, तो ये वन आया। तो ये इससे लेस था एंड दिस इज दिस, ये पूरा होल क्वांटिटी वन आता, मतलब ये क्वांटिटी वन से लेस है। देयरफॉर कंजुगेट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस जेड साइन अल्फा इज लेस देन वन, मतलब कि स्टेटमेंट वन सही है, स्टेटमेंट वन करेक्ट है। और स्टेटमेंट टू को ही हम यूज किए हैं, एक बार इसका वैल्यू यहाँ पे यूज किए थे और एक बार ये वैल्यू हमने यहाँ पे यूज किए थे। मतलब स्टेटमेंट वन भी ट्रू है, स्टेटमेंट टू भी ट्रू है, एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन।